सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम करेंगे 16th में शिफ्ट का पेपर रिव्यू एंड एनालिसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एंड फाइनली इस पेपर के लिए 90% के लिए कितने मार्क्स लगेंगे। हम सब चीज़ों को देखने वाले हैं, सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दो। इस चैनल पे आप सभी को MHT CET रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेगी, प्लस अभी आप सभी की एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। सो एडमिशन प्रोसेस होती ही कैसे है, कैप राउंड प्रोसेस क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक के, उनमें कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है, सब चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। सारी इंपॉर्टेंट PDF है कॉलेजेस रिलेटेड, सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम शेयर करने वाले। सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो MHT CET 16th में शिफ्ट टू पेपर रिव्यू। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड के बीच का पेपर था। सो अभी बी रेडी, अभी लास्ट डे कल है। सो कल भी आपका पेपर शायद से डिफिकल्ट साइड पे आ सकता है। आज के दोनों पेपर सेम लेवल के थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आज के पेपर में फिजिक्स भी थोड़ा हार्ड आया हुआ था, फिजिक्स मॉडरेट टू हार्ड था। केमिस्ट्री वेरी इजी था, केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक बेस्ड ही आ रहा है। मैथमेटिक्स हार्ड एंड लेंथी एज यूजुअली था। फिजिक्स में आप आराम से 20-22-23 क्वेश्चन कर सकते थे ये पेपर में, जो फार्मूला के बेसिस पे थे। बाकी कुछ क्वेश्चन थे कंसेप्ट के ऊपर थे, JEE के भी फिजिक्स में क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। तो फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट के हार्ड के बीच का था। केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से ही पूछा जा रहा है। सो अगर आपका पेपर कल है तब प्लीज़ एक बार टेक्स्ट बुक रिवाइज़ करके जाओ। और नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री, ये चीज़ याद रखना। मैथमेटिक्स मैथ्स के लिए आपको चॉइस बनानी आनी चाहिए। मैथ्स में आप 90 मिनट्स में आराम से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 25 भी आपने अगर अटेम्प्ट किए उसमें से 20 ऐसे करो जो करेक्ट हो। सो आपको 20 क्वेश्चन तक करेक्ट करके ही आने मैथ्स में। बाकी के क्वेश्चन में आप तुक्का मार के आओ, सब में ऑप्शन बी मार्क करके आओ। सो मैथ्स में 50 मार्क लाना इजी है, बस आपको क्वेश्चन की चॉइस बनानी आनी चाहिए। सो अगर हम इस पेपर में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखें तो इस पेपर में 90%+ के लिए आपको 89-92 मार्क्स लगेंगे। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था, सो 89 पे भी आपके 90% बन सकते हैं। एंड गाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड भी करता है, ये चीज़ याद रखना। बाकी यूजुअली अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे तो 90 मार्क्स पे आपके आराम से 90-91% बन जाएंगे। अगर 90-100 के बीच में आ रहे तो 92% तक बन सकते हैं। 100-110 के बीच में आ रहे तो 92-94%, 110-120 के बीच में आ रहे तो 94-96% बन सकते हैं। बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे इतना रिलाई मत करना, ये बहुत सारी चेंजेस रहते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, बट दिस इज द एक्सपेक्टेड वन। सो गाइस यही था आज का एक शॉर्ट पेपर रिव्यू। होप्स आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाओ कि अगर आपने आज का पेपर दिया हो तो आपके हिसाब से लेवल किस तरीके का पूछा गया था, क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे। सो गाइस दैट्स ऑल, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।